गाइज, वेलकम टू माई चैनल इन सिंपली रूप। आप सबको पता है जैसे कि लॉकडाउन हो चुका है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है गर्ल्स को कि अनवांटेड हेयर, स्पेशली हमारे फेशियल हेयर्स या आईब्रोज या अपर लिप्स या यहाँ पर जो बाल होते हैं, तो उनको हम किस तरह से रिमूव करें क्योंकि हम पार्लर तो जा नहीं पा रहे हैं। सो मैं कुछ दो तीन टिप्स या आपको इन्फॉर्मेटिव चीजें बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने अनवांटेड हेयर से छुटकारा पा सकते हो बहुत ईजली और घर बैठे बैठे। एंड क्या है वो चीजें, तो चलिए देखते। सो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है हमें, दैट इज ऑन आवर अपर लिप्स, और कईयों को यहाँ पर बाल होते हैं, तो हम इन बालों को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं या अपने फोरहेड के बालों को बहुत ईजली हम खुद ही रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेडिंग। अब आप लोग बोलोगे थ्रेडिंग आती नहीं है, तो थ्रेडिंग हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये नॉर्मल जो थ्रेड, इस तरह के थ्रेड्स हमारे पास घर में होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, आप कोई भी कलर का ले सकते हो, कोई इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो इस थ्रेड को जिससे हम मतलब कपड़े स्टिच करते हैं, इस थ्रेड के आपने धागे को लेना है, अप्रोक्सीमेटली इतना धागा आपने लेना है, ठीक है। अब इस धागे को आपने तोड़ लेना है ताकि आपका इतनी लेंथ का ये डबल हो जाए। बहुत लंबा नहीं लेना, बहुत छोटा नहीं लेना, इसके दोनों एंड्स को पकड़कर आपने बिल्कुल एंड पे इसको इस तरह से गांठ मार देनी है। इस तरह से मैंने गांठ बांधकर इसको सिक्योर कर लिया। अब जो गांठ वाला हिस्सा है वो आपने अपने फिंगर्स के पास रखना है। ये देखिए, ये गांठ वाला हिस्सा मैंने इस फिंगर्स के पास रखा। इस तरह से पकड़कर आपने इसको 4 times ट्विस्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 4 ट्विस्ट हो गए। अब आप देखो इस तरह से आप मूवमेंट करके देखो, इस तरह, दिस वन और इस तरह, ताकि आपकी ये चीज इस तरह से हिले। बस यही चीज आपने अपने स्किन पर करनी है। अब करना क्या है, जैसे अपर लिप्स करने हैं तो थोड़ा सा टेलकम पाउडर लगा लेंगे हम। टेलकम पाउडर लगा लेने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया है, दिस वन ऐसे, ये वाला ऐसे ऐसे, और ये वाला दो फिंगर्स को ऐसे 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 तक ये हिले। जहां जहां पर भी आपके बाल होंगे बस आपने इसको इस तरह से करना है। बहुत सिंपल है और आपके सारे बाल बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। इसी तरह से आप फोरहेड पर भी कर सकते हो, जहां पर भी आपको लगते हैं आपके फेशियल हेयर है, इस तरह से आप अपना फोरहेड भी क्लीन कर सकते हो। इवन इस साइड को आप क्लीन कर सकते हो अगर आपको यहां पर बाल लगते हैं। बहुत सिंपली आपने इस तरह से घर बैठे बैठे आप अपने फोरहेड को, अपर लिप्स को, साइड वाले बालों को क्लीन कर सकते हो। इन बालों को मैं आईब्रोज को नहीं कह रही हूं, बिकॉज अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, आईब्रोज को मत छेड़िए, आपकी शेप खराब हो सकती है। बहुत अच्छा मौका है अपने आईब्रोज को ग्रो करने का, उनको अच्छी तरह से फुल ग्रो हो लेने दीजिए। और जब आप लॉकडाउन के बाद आईब्रोज बनवाओगे, बहुत अच्छी शेप आएगी आपके आईब्रोज की, क्योंकि फुल ग्रोन आईब्रोज की शेप अच्छी आती है, तो अपनी मनपसंद आप शेप बनवा सकते हो। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, मतलब अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो आप अपने एक्स्ट्रा बाल जो है वो, तो इस प्लकर की मदद से आप अपने एक्स्ट्रा बालों को इस तरह से प्लक कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये चीजें आप कर सकते हो अगर आपको अनवांटेड हेयर अपने फेस पर नहीं चाहिए। एक दूसरा मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, ये आप डेली कर सकते हो, और ये अगर आप करोगे इसका इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे इसको जैसे आप करते जाओगे तो आपको इसका एक रिजल्ट मिलेगा कि परमानेंट सोल्यूशन होगा कि आपके बालों की फेस पर जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल मतलब बाल आने कम हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए बेसन और हल्दी। अब बेसन और हल्दी और कोई भी तेल, तेल चाहे आप कोकोनट ऑयल ले लो, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ले लो,
तो इन तीनों को आपने पेस्ट बनाकर अपने क्लीन्ड फेस पर लगाना है। किस तरह से मैं लगाकर दिखाती हूँ, मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, बेसन और हल्दी। इन तीनों को मैं एक मिक्स करके मिक्स कर लिया और इस तरह का आपने गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को आप अपने फेस पर लगा सकते हो, अपने बाहों पर लगा सकते हो, अपनी आर्म्स पर, जहां पर भी आपको अनवांटेड हेयर हैं, तो आपने इसको लगा लेना है, ऊपर की तरफ आपने लगाना है और इसको आपने 5 to 10 minutes, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा लगाकर दिखा रही हूँ, जैसे आपने यहां पर लगाया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको लगा लेना है और जब ये हार्ड हो जाएगा, आपके फेस पर बाइंड हो जाएगा, तो आपने सर्कुलर मोशंस में इस तरह से, जहां पर आपके बालों की डायरेक्शन नीचे को है, तो आपने इसको ऊपर की तरफ इस तरह से गोल गोल घुमाना है। तो कैसे लगे आपको मेरी ये टिप्स? सिंपल येट इफेक्टिव। सिंपल है, इजी है और घर रहकर बड़े आराम से आप अपने चेहरे को फ्लॉलेसली ब्यूटीफुल बना सकते हो। थ्रेडिंग कर सकते हो, पैक लगा सकते हो और बहुत सिंपली, बहुत इजीली आप अपने फेशियल हेयर से छुटकारा पा सकते हो। सो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। प्लस अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कर दीजिए। बाय बाय।